नया पाकिस्तान सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर हाउस में इफ्तिताह किया। लाहौर समेत पंजाब के 3 करोड़ खानदानों को सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी। प्रोग्राम पर 399 अरब खर्च आएगा। इमरान खान कहते हैं बीमारी के दौरान बेबस खानदानों को सेहत की सहूलत मिलेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार भी तकरीब में शरीक। लाहौर से खतरनाक फजाई आलूदगी के साए न छट सके। आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 322 रिकॉर्ड की गई। आलूदा फजा के बायस शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। गले और आंखों की बीमारियां आम। सबसे ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 गुलबर्ग में रिकॉर्ड। कोट लखपत में 415, अनारकली में 414, बहरिया ऑर्चर्ड और मॉडल टाउन में 398 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। बैनु सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस कल तलब। वफाकी वज़ीरे तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों, बच्चों की वैक्सीनेशन से मुतालिक गौर होगा। सूबाई निज़ाम तालीम से मुतालिक इस्लाहात का जायजा भी लिया जाएगा। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में लॉर्ड मेयर लाहौर के लिए उम्मीदवार कौन होगा? वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर लाहौर की लॉर्ड मेयरशिप के उम्मीदवार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब और दीगर तंजीमी क़यादत की इजलास में शिरकत। उस्मान बुज़दार ने नए बल्दियाती निज़ाम के बारे में ब्रीफिंग दी। लाहौर में 3 नए एमरजेंसी ट्रामा सेंटर बनाने का मंसूबा। 28 अरब रुपए मालियत आएगी। महकमा सेहत ने PC1 PND बोर्ड को इरसाल कर दिए। एमरजेंसी और ट्रामा सेंटर सर्विसेज अस्पताल जिना हस्पताल और अरफा करीम टावर में बनाए जाएंगे। उधर महकमा खजाना ने PKLI को मजीद 1 अरब रुपए जारी कर दिए। फंड से मुख्तलिफ स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान की गवर्नर पंजाब से मुलाकात। चौधरी सरवर ने वजीर आजम को दौरा तुर्की और बरतानिया के बारे में ब्रीफिंग दी। आलमी सतह पर मौसमियाती तब्दीली पर इकदाम और मनसूबों की पजीराई के बारे में आगाह किया। इमरान खान ने कामयाब दौरा बरतानिया पर गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर को सराहा। प्रेस क्लब में सीनियर सहाफ़ी अहमद फराज की किताब की तकरीब रोनमाई। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। बोले असद शाही क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में बड़ा नाम है, उनसे भाइयों जैसा ताल्लुक था। असद शाही अजीम सहाफ़ी थे, उनकी खिदमात लायक तहसीन है। अहमद फराज ने अपनी किताब असद शाही मरहूम के नाम कर दी। से बिल्कुल मेरा भाइयों वाला ताल्लुक था। बदकिस्मती से बड़ी जवान उम्र में उनकी डेथ हुई और बड़ा मेहनती आदमी थे। और अगर क्राइम रिपोर्टिंग में किसी बंदे को इस तरह से मैं देखा है तो वह सच्चाई को देखा। और बिल्कुल अहमद फराज मैं आपको मुबारक देता हूं कि आपने अपनी किताब का बड़ा ही अच्छा इन दोनों के किया। और जाहिद को और असद साइद को मेरा ख्याल है कि जो एक हदिया तबरीक पेश करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास 15 दिसंबर को 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे। की तारीख में इतनी क़यामत खेज महंगाई नहीं आई जो इस वक्त है। और इसने हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बदवाएँ दे रहे हैं इस हुकूमत को कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। इससे पहले इतनी क़यामत खेज महंगाई कभी नहीं हुई। हर घर तबाह हो गया। आवाम हुक्मरानों को हाथ उठा उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले लोग रोटी को तरस रहे हैं, बच्चों के दूध की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। उधर नून लीगी रहनुमा रबिया नुसरत ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मेगा प्रोजेक्ट गुलाब देवी अंडरपास रवामा खोलने की तैयारियां। रोड कार्पेटिंग का काम तेजी से जारी। दीवारों पर फिनिशिंग वर्क मुकम्मल। सिंक कोड पेंट भी कर लिया गया। पंजाब हुकूमत को अंडरपास खोलने की तारीख 15 दिसंबर दी गई है। अंडरपास के इफ्तिताह के लिए मोनोमेंट की तैयारी भी जारी।
शाहकाम मंसूबे के लिए एक्वायर अराजी का कम मुआवजा देने का केस अराजी एक्वायर करने से रोकने के हुक्म में 20 दिसंबर तक तौसी। हाई कोर्ट का एलडीए को मार्केट वैल्यू के मुताबिक मुआवजा अदा करने का हुक्म। आइंदा समात पर अवार्ड का मुसवदा पेश करने की हिदायत। अफसरान के तबादलों पर विफाक और पंजाब में डेड लॉक बरकरार। पंजाब हुकूमत ने ताहाल 5 अफसरान को दूसरे सूबों के लिए रिलीव ना किया। चीफ कॉरपोरेशन अफसर हाफिज शौकत अली का बलोचिस्तान तबादला। सेक्रेटरी पॉपुलेशन मसूद मुख्तार और सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर हसन इकबाल को सिंध और चेयरमैन पीआईटीबी असफर मंजूर के तबादले के बावजूद रिलीव नहीं किया गया। ब्यूरोक्रेसी का अदालती अहकाम नजरअंदाज करने का रुझान बरकरार। हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्तों की तादाद 100 तक जा पहुंची। डीजीएलडीए के खिलाफ सबसे ज्यादा 62 दरख्वास्तें। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ 3, आईजी के खिलाफ 3, डीजीएलडीए के खिलाफ 5 दरख्वास्तों पर समाप्त। चीफ सेक्रेटरी से 2 रोज में जवाब तलब कर लिया, 1 बगैर कार्रवाई मुलतवी। आईजी के खिलाफ 2 दरख्वास्तें खारिज, 1 में जवाब तलब। डीजीएलडीए से तमाम दरख्वास्तों पर जवाब तलब। मोबाइल फोन खराब देने और 1 साल की वारंटी के बावजूद तब्दील ना करने का केस। सारिफ अदालत ने मैनेजर ऑपरेशन सिराज टेक्नोलॉजी गुलबर्ग के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। मोबाइल की कीमत और 20,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए शहरी रावी टोल प्लाजा पहुंच गए। एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए 2-2 बूथ कायम। टोल प्लाजा पर टैग स्कैन होने पर अकाउंट से टोल टैक्स कटेगा। एम टैग रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल सर्विस का भी इंतजाम। शहर में इंसदाद पोलियो मुहिम का आज पहला रोज। वजीर आला ऑफिस में इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से खसूसी तकरीब। वजीर आला ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए। डीसी लाहौर के मुताबिक 18,70,000 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। शाह जमाल में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया। कमिश्नर ने डेंगू सर्विलेंस सफाई सुथराई की सूरत हाल का भी जायजा लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2021 का गजट नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन का बाकायदा इजरा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के दस्तखत के बाद किया गया। असातिज़ा बनने के ख्वाहिशमंद नौजवानों के लिए बुरी खबर। इंजीनियरिंग कॉमर्स बिजनेस में थर्ड डिवीजन वाले टीचर नहीं बन सकेंगे। महकमा तालीम ने भर्ती के लिए नई पॉलिसी जारी कर दी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करना लाजिम होगा। टीएलपी के सरबराह साद रिजवी की मोहलनवाल आमद। धरने में शहीद बख्तावर रिजवी के अहले खाना से मुलाकात की। मरहूम के लिए दुआए मगफिरत और फातिह खानी की। लेस्को ने बिजली बिल्स की इकसात करने पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी। घरेलू कमर्शियल सनती सारिफीन बिल्स की इकसात नहीं करा सकेंगे। 2 से 3 माह के बिल जमा ना होने वाले कनेक्शन मुनकता कर दिए जाएंगे। कंपनी ने रिकवरी आदाफ को पूरा करने के लिए इकसात पर पाबंदी आयद की। मुगल दौर की चूना मंडी गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग महफूज करने का फैसला। हायर एजुकेशन वॉल सिटी अथॉरिटी से मिलकर बिल्डिंग महफूज बनाएगी। हायर एजुकेशन के स्पेशल सेक्रेटरी ने इजलास तलब कर लिया। बेगमपुरा में वाके जुमा ग्राउंड इंतजामी नाहली के बाद तबाह हो गई। जगह जगह लगे कूड़े के ढेर और गंदगी से खेलने आए बच्चे मुतासिर। ग्राउंड में लगे झूले नाकारा हो गए। इलाका मकीनों का ग्राउंड की सफाई और बहाली का मुतालबा। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। शेखुपुरा से लाहौर मिलावटी दूध लाने की कोशिश नाकाम। 2500 लीटर दूध तल्फ कर दिया। पीएचए जिलानी पार्क में गुले दाऊदी नुमाइश का तीसरा रोज। नुमाइश में 100 से ज्यादा इकसाम के फूल सजाए गए। शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने के लिए जिलानी पार्क पहुंची।
और फैसल हसनैन पीसीबी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव मुकर्रर। फैसल हसनैन जनवरी 2022 में ओहदे का चार्ज संभालेंगे। नए चीफ एग्जीक्यूटिव का स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में 35 साल से ज्यादा तजुर्बा है।